हेलो एवरीवन, दिस इज नीताशा चतुर्वेदी एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल दैट इज इजी लर्निंग 247। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने नोटपैड ओपन करा। नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं यहां पर बिकॉज HTML का प्रोग्राम बना रही हूं, सो सबसे पहले मैंने यहां पर HTML लिखा। आफ्टर डेट मैंने हेड लिखा एंड देन मैंने टाइटल लिखा, जैसा कि मैं सारे प्रोग्राम्स में करती हूँ। अभी मैं आपको फॉन्ट टैग के बारे में ही बता रही हूँ। आई नो कि मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ, जिससे कि आपका जो जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। फॉन्ट टाइटल में मैंने टाइटल का नाम लिखा है फॉन्ट और टाइटल को कर दिया क्लोज। आफ्टर डैट हेड को करा है क्लोज और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है बॉडी को। वेब पेज में मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ भी फील देने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए हमें बॉडी की नीड होती है। जब तक हम बॉडी टैग नहीं बनाएंगे वहाँ कुछ नहीं आएगा। आफ्टर डैट क्योंकि मैं फॉन्ट के बारे में बता रही हूँ तो मैंने लगाया है फॉन्ट, ठीक है। अब फॉन्ट में भी जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, मैं आपको एक ही फॉन्ट में एट्रीब्यूट्स बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है साइज, अब साइज में मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं लिख रही हूँ साइज 60। अब मैंने 60 साइज लिखा। इसके बाद मैं कोई और एट्रीब्यूट देना चाहूँ तो भी मैं स्पेस लगाकर फॉन्ट का एट्रीब्यूट दे सकती हूँ। अब मैं यहाँ पर स्पेस लगा के एक और एट्रीब्यूट दिया है, जैसे कि फॉन्ट फेस। अब फॉन्ट फेस में मैं कोई भी फॉन्ट का फेस दे सकती हूँ, यानी जैसे मैंने उस दिन वर्धना एरियल दिया था, ऐसे ही यहाँ पर मैं आज कुछ भी दे सकती हूँ। फॉन्ट के फेस बहुत तरीके के होते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिया है एक और होता है रोबोटो, एक फॉन्ट का अलग फेस है, उसको मैंने लिखा है। उसके बाद मैंने फॉन्ट का कलर भी लिखा है। ये जो साइज, फेस, कलर हैं, ये फॉन्ट के एट्रीब्यूट हैं। जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम स्पेस लगा के लिखते जाते हैं। ज़रूरी नहीं है हम एक बार में एक एट्रीब्यूट यूज़ करें, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर जैसे कलर में दिया है ऑरेंज और मैंने इसको कर दिया फॉन्ट को, अब मैं फॉन्ट को कर रही हूँ अगली लाइन में फॉन्ट को क्लोज। सो फॉन्ट को क्या करा मैंने इसके बाद, क्लोज। क्लोज करने से पहले जैसे कि मैंने फॉन्ट दिया है तो अगर मैं चाहूँ तो कुछ लिखना। अब देखो जो फॉन्ट आएगा वो फॉन्ट क्या आएगा, कुछ ना कुछ लिखना लिखोगे तब तक तो नहीं आएगा ना, तो आपको लिखना पड़ेगा फॉन्ट के बाद लाइन में दिस इज़ अबाउट फॉन्ट एट्रीब्यूट। ज़रूरी नहीं आप ये लाइन लिखो, आप अपना नाम लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, जो लिखोगे वही आ जाएगा हमारे वेब ब्राउज़र वाली यानी आउटपुट स्क्रीन पर। फॉन्ट को क्लोज करा, बॉडी को क्लोज कर दिया एंड सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, HTML को क्लोज। सो सबसे लास्ट में क्या करूँगी मैं, HTML को क्लोज। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हम सेव एज़ में जाएंगे और यहाँ से सेव एज़ में जाके जिस भी फोल्डर में हमें सेव करना है उस फोल्डर में हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्लास 10th HTML नाम का एक फोल्डर है वहाँ सेव किया और मैंने जो सेव किया है वो कर दिया है fonttag.html। आप अपने नेम से भी सेव कर सकते हो, लेकिन जब भी आप फाइल को सेव करोगे .html का लगाना ज़रूरी है, ठीक है। इतना समझ में आया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस फाइल में मैंने सेव किया था मैं उस फाइल में गई और उस फाइल में जाने के बाद मेरा जो फोल्डर था डेट इज़ अ क्लास 10th HTML। सो मैं उस फाइल में गई, मैंने ओपन किया फॉन्ट जिस नाम से मेरा सेव था फॉन्ट टैग। अब देखिए यहाँ पर जो कलर आ रहा है दैट इज़ अ ऑरेंज, साइज दैट इज़ 60 और जो भी मैंने फेस रखा था वो मेरा रोबोट करके फेस था, वो मेरा रोबोटो, वो मेरा फेस आ रहा है जो भी मैंने फेस रखा। अब देखिए सपोज़ आपने यहाँ पर फेस और कलर को मैं चेंज करके देखती हूँ, जैसे मैंने कलर को चेंज किया है, कलर को मैंने क्या कर दिया है ग्रीन, ठीक है। और सिमिलरली मैं यहाँ पर फेस को भी चेंज कर देती हूँ और फेस को मैं चेंज कर रही हूँ, देखिए आप लोग। बेसिकली हम लोग क्या है ना, एक बार में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने साइज, कलर और फेस लिया है। फेस में भी मैंने नाम चेंज कर दिया है, मैंने लिखा है कॉमिक सन्स MS, ठीक है, ये मैंने फेस का नेम लिया है। और
साइज को भी मैं चेंज कर देती हूँ 200, यानी मैंने पूरा ही चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो लिखा आएगा उसका नाम मैंने कर दिया है माई वेब पेज, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इस जो भी मैंने लिखा है ये बन गया प्रोग्राम, इसको मैं कर रही हूँ सेव, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं अपनी ब्राउज़र आउटपुट वाली स्क्रीन पे जाऊँगी, आप देख सकते हैं क्या आ गया, माई वेब पेज, और कलर क्या आ गया हमारा ग्रीन, साइज 200, और फेस भी देखो जो स्टाइल लिखी आ रही थी पहले कुछ और तरीके, अब कुछ और आ रही है। और अगर मैं इसको भी चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ फेस को चेंज करा है और मैं चेंज करके दिखा रही हूँ, मैं लिख दे रही हूँ एरियल। अब एरियल का तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, यहाँ पर मैं एरियल बोल्ड कर दे रही हूँ। ये एक और स्टाइल होती है एरियल ब्लैक करके, जिसमें थोड़ा सा डार्क आता है यानी बोल्ड स्टाइल में आ जाता है, और इसको मैं सेव कर देती हूँ। जैसे ही मैंने, ये देखो पुरानी वाली स्क्रीन है, उससे पहले क्या आ रहा था, और अब जैसे ही मैं सेव करूँगी, सेव के बाद ओपन करा, ओपन में आप देख सकते हैं, देखो ये बोल्ड स्टाइल में आ रहा है, ठीक है, कितना डार्क आ रहा है ये, ठीक है। अगर आप देखिए, अब मैं एक और चीज़, एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ। अब आप ये चाहते हैं सपोज़ कि जो भी ये आ रहा था माई वेब पेज, वो हमारा जो कलर है बैकग्राउंड वो वाइट की जगह कुछ और आए, जैसे यहाँ पे मैंने बॉडी बीजी कलर येलो लिख दिया, यानी अगर मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया तो अब ये येलो आएगा हमारा बैकग्राउंड और ग्रीन आएगा हमारा फॉन्ट। सो आप देख सकते हैं येलो के ऊपर ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है, यहाँ पर आपने चेंज कर लिया है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आपको सपोज ये जो माई वेब पेज है वो सेंटर में चाहिए, तो आप क्या करोगे, जिस जगह माई वेब पेज लिखा है उससे जस्ट ऊपर एक सेंटर लिख दोगे, सेंटर टैग का यूज़ करेंगे, जहाँ हमें जो भी चीज़ सेंटर में लिखनी है उस जगह हमें सेंटर टैग का यूज़ करना होगा। सिमिलरली माई वेब पेज के जस्ट बाद हमने सेंटर टैग को कर दिया क्लोज, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। अब देखो जो माई वेब पेज बाई डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में आ रहा था, अब वो हमारा सेंटर में आना चाहिए। सो आप देख सकते हैं ये कहाँ आ रहा है, सेंटर में, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखिए ये जो हमने सेंटर लिखा है माई वेब पेज, इसको लिखने का एक और तरीका है, यानी हम हर चीज़ को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा, पहले मैंने सेंटर लिखा और माई वेब पेज के जस्ट बाद सेंटर को क्लोज कर दिया, यानी मैंने अलग अलग लाइन चेंज ना करते हुए मैंने उसी में ही चेंज कर दिया है, इसको सेव किया। अगर मैं इस तरीके से करूँगी तब भी मेरा रिजल्टेंट सेम ही आएगा, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर अब मैं आप लोगों को एक और टैग के बारे में बताऊंगी। अब जैसा हम लोग देख सकते हैं मैंने कमेंट टैग का यूज़ किया। कमेंट टैग का यूज़ हम बेसिकली कहीं भी किसी भी लाइन में लिख सकते हैं। कमेंट को लिखने का तरीका है, हम एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद एक एक्सक्लेमेटरी वाला साइन लगाएंगे, ठीक है, जैसा आप लोग अभी देख सकते हैं कि मैंने एंगुलर ब्रैकेट लगाया, ठीक है। उसके बाद मैं एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाऊंगी और उसके अंदर मैं जो भी कुछ लिखूंगी, यानी कमेंट एक ऐसा टैग है जिसके अंदर मैं जो भी कुछ लिखूंगी उसका हमारे वेब पेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी आउटपुट स्क्रीन पर कमेंट के अंदर चाहे मैं 10 लाइन क्यों ना लिख दूँ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा है दिस इज़ ऑल अबाउट कमेंट, ठीक है, कमेंट टैग, और मैंने स्टार्टिंग में एंगुलर ब्रैकेट लगाया, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाया और इसको कर दिया क्लोज, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इसको करा सेव, जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी आप यहाँ पर देख सकते हैं कमेंट का इस पूरे वेब पेज से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे कमेंट के अंदर 10 लाइन क्यों ना लिख दो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर दिस इज़ ऑल अबाउट कमेंट टैग कहीं भी हमारी आउटपुट स्क्रीन पर नहीं आया। सो अगर आपको कोई भी चीज़ लिखनी है और आप चाहते हैं वो एज अ कमेंट शो हो, यानी आपको आपकी आउटपुट स्क्रीन पर शो नहीं हो, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यानी समझने के लिए कमेंट का यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोग्राम, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है।